बीजेपी के विधायक विजय अग्निहोत्री ने निदौन विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन भरने पहुंचे विजय अग्निहोत्री के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इंद्रपाल चौक से एसडीएम कार्यालय निदौन तक भव्य स्वागत किया और कार्यकर्ता ढोल की थाप पर नाचते हुए नामांकन स्थल तक गए। करीब 2:30 बजे विजय अग्निहोत्री ने एसडीएम निदौन अमित मेहरा को नामांकन सौंपा और बाद में एसडीएम के साथ रखी हुई नुक्कड़ सभा में जनता को संबोधित किया। बीजेपी उम्मीदवार विजय अग्निहोत्री ने कहा कि मेरी जीत सुनिश्चित है और पीएम मोदी की 3 साल की उपलब्धियां और प्रदेश सरकार की विफलताएं मुख्य एजेंडा रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 सालों में अंधकार में युग बीता है और सीएम जमानत पर रहा है। इन सभी बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। चुनावों का एजेंडा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की पिछले 3 वर्ष की उपलब्धियां और प्रदेश सरकार की विफलताएं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो विकास को लेकर हो, चाहे वो माफिया राज को लेकर हो, ये सारी जो इस प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में एक अंधकार में युग का जो युग बीता है, जिसमें मुख्यमंत्री जमानत पे है, ऑफिसर और पुलिस जेल में है, पूरा सिस्टम फेल है और हाहाकार जो पूरे प्देश में मची है उसको लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और जो विकास इन्होंने पिछले 5 वर्षों में रोका है, इस सारे विषय को लेकर और मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। विजय अग्निहोत्री ने कहा कि टिकटों को लेकर फेरबदल का कोई असर चुनावों पर नहीं पड़ेगा और टिकटों को पूरी तरह से विश्लेषण करके दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिसे टिकट मिलेगा वो जीत का परचम लहराएगा। जीत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ रहा है और पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और खासकर नोटबंदी के पश्चात जितने भी चुनाव हुए उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, प्रदेश में भी बदलाव की परिवर्तन की लहर है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो नेचुरली मैं भी जीतूंगा। नहीं, कोई ज्यादा फेरबदल नहीं हो रहा है और हमारा जो नेतृत्व है जो सोच समझ कर पूरा विश्लेषण करके ही टिकट देता है, दे रहा है। और एक किसी विधानसभा क्षेत्र में बहुत से लोग होते हैं जिनको जो एमएलए बनने के लायक होते हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि पार्टी एक ही व्यक्ति को टिकट दे सकती है। इस करके ए बी सी किसको ये मतलब नहीं है, जिसके हाथ में कमल का फूल होगा वो जीतेगा। वहीं विजय अग्निहोत्री ने टिकट को लेकर चल रही शिष्य पर भी विराम लगाया और कहा कि पार्टी के आदेश पर ही नामांकन भरा है। ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पार्टी ने ऑथराइजेशन लेटर दिया है और घोषित भी हो गए हैं। इस करके पार्टी का टिकट लेने के पश्चात ही पार्टी नेतृत्व से बात करने के पश्चात और पार्टी नेतृत्व के आदेश पर ही नॉमिनेशन हुआ है।